नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज के अभी तक 6 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। हम 7वें एपिसोड में पिग फार्मिंग के गहरे राज के 7वें एपिसोड में आज हम एंटर करने जा रहे हैं। इस एपिसोड का मुख्य टॉपिक रहने वाला हेल्थ मैनेजमेंट। हम हमारे पशुओं की हेल्थ को किस प्रकार से मैनेज करके एक बेहतरीन आउटपुट ले सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। राजकुमार जी, हमारे पिग फार्म की जो रीढ़ की हड्डी होता है, ऑब्वियसली किसी भी लाइव स्टॉक की रीढ़ की हड्डी होता है, उसका स्वास्थ्य है। उसका अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप फायदे में जाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो आपको नुकसान ही नुकसान होता चला जाएगा, आप उसकी भरपाई किसी सूरत में नहीं कर पाएंगे। अब जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है, देखो हमारे भारत में बहुतेरे ऐसे डॉक्टर हैं, वेटनेरियन की बात कर रहा हूँ मैं, जो सुअर को हाथ लगाना पसंद नहीं करते हैं। और ये मेरा खुद का भी तजुर्बा, आपका भी है बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर खुद को बनना पड़ेगा और डॉक्टर बनना पड़ता है हमको। यहाँ पर कोई आप डॉक्टर आकर आपके फार्म पर ट्रीटमेंट करे, ऐसे बहुत कम चांसेस हैं। तो जैसे कि आपको जो कुछ ट्रेनिंग में मिला था या जो इस तजुर्बे के दौरान जो मुख्य बीमारियाँ हैं आपके फार्म पर, आप कौन कौन सी दवाइयाँ रखते हैं, उनके आप मोटा मोटा 10-15 दवाइयों के आप नाम बताएं, और किन किन दवाइयों, देखो दवाइयाँ एक एक जो है सॉल्ट की कई सारी कंपनियाँ हैं, और पता नहीं किस दवाई पर कौन सी चीज़ लागू होती है, कई बार वो आपके तजुर्बे पर होती है, कई बार किसी और के तजुर्बे पर होती है, किसी से कई बार पूछना भी पड़ता है। तो इस सब्जेक्ट को आप कैसे हैंडल करते हैं आप अपने फार्म पर? के लिए हम बायोसिक्योरिटी मजबूत करते हैं, हम हमारा फीड मैनेजमेंट मजबूत करते हैं, हमारे फार्म पर मौसम की मार ना पड़े वो हम मैनेज करते हैं। तो आप अपने फार्म पर क्या क्या प्रबंधन लागू करते हैं जिसके चलते आपके फार्म पर जो बीमारी आती है, मैं कोई पर्टिकुलर बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीजनल बीमारी की बात कर रहा हूँ, उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? सबसे पहले आप स्वाइन फीवर और FMD को जो है वो वैक्सीनेशन का उसका आप एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो आप कौन सी वैक्सीन करते हैं, स्वाइन फीवर से स्टार्टिंग करते हैं। स्वाइन फीवर वैक्सीन करता हूँ ब्रीडिंग स्टॉक को। कौन सी, इंडियन या फिर आउट ऑफ इंडिया? वो जो भी टाइम पे अवेलेबल हो जाए। लास्ट टाइम मैंने आउट ऑफ इंडिया यूज करी थी। कोरियन वैक्सीन? नहीं, कोरियन नहीं थी, नेपाल की थी। ठीक है। उससे पहले मेरे यहाँ पे जो मेरा जो वेटनरी हॉस्पिटल पड़ता है गवर्नमेंट सरकारी, मैंने वहाँ पे रिक्वायरमेंट डाली थी, मेरे इतने एनिमल्स हैं। अच्छा, आपके हरियाणा में मिल जाती है? बिल्कुल मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट FMD की और स्वाइन फीवर की। ओके। बशर्ते आपको अपने जो नज़दीक की जो डॉक्टर्स हैं उनके वहाँ पे आपको जा कर के रिक्वायरमेंट डालनी है कि सर मेरे यहाँ फार्म है और मेरे को इतनी डोज चाहिए, वो वहाँ पे रिक्वायरमेंट आगे भेजते हैं और वो ऑफिशियली आपको फ़ोन करेंगे, भैया आपकी मतलब ये वैक्सीन आ गई है आप ले जाइए। स्वाइन फीवर और FMD दोनों? स्वाइन फीवर और FMD के लिए, इन दोनों के लिए वैक्सीन के लिए वो खुद भी आकर के लगाने के लिए रेडी रहते हैं। अच्छा, ये मेरे साथ हुआ है। आपके हरियाणा में है? हरियाणा में, और किसी स्टेट में नहीं? वो नहीं पता, बाकी मेरे यहाँ हुआ है। मैंने रिक्वायरमेंट डाली थी, एक अप्लीकेशन लिख के दी थी, डॉक्टर को दिया था, उनका फ़ोन आया, मैं उनसे लेने गया, तब वो बोले चलो हम तो आपके साथ चलते हैं। बाकी मैंने 1-2 हज़ार जानवरों को लगाया, अभी वो रहे यहाँ पे, फिर वो चले गए, बाकी मैं अपना रेगुलर लगाता हूँ। ठीक है। कब कब लगाते हैं स्वाइन फीवर का वैक्सीन आप कब करते हैं? मतलब कब करते हैं, किस मौसम में करते हैं? नहीं नहीं, कब करते हैं, शुरुआत कब से करते हैं? देखो स्वाइन फीवर शुरुआत की बात यही, आप प्रेगनेंट को भी लगा सकते हो, नॉन प्रेगनेंट को कोई इशू नहीं है। ठीक है। आप साल के अंदर, मतलब कि ये मान लीजिए कि एक बार तो आपको लगानी पड़ेगी। ऑब्वियसली वो तो डिपेंड करता है वो कहाँ की वैक्सीन है, जैसे कोरियन वैक्सीन है उसको 1 साल जो है वो उसकी वैलिडिटी है, इंडियन वैक्सीन है उसकी 6 महीने, आप जो हरियाणा की है वो 6 महीने, 6 महीने की है ना। तो आप उसको स्टार्ट कब करते हैं वैक्सीन को, जैसे कि आपके फार्म पर बच्चा वीन हो गया, 15 किलो का हो गया या 60 दिनों का हो गया, आप उसको कब वैक्सीन करते हैं या फिर इकट्ठी करते हैं, आप कैसे उसको लागू करते हैं अपने फार्म पर? मैं ये करता हूँ, जब सरकारी वाली, मैंने एक बार सरकारी वाली ली है, उस टाइम पे जब वो आई उस टाइम पे जो मतलब मेरे पास स्टॉक था सबको लगा दिया, एक साथ डेट लिख दिया मैंने कि फलाने फलाने डेट इन इन बच्चों को हो गया, जो बच्चे उस टाइम पे दूध पी रहे थे छोटे थे उनको तो लगाने का मतलब नहीं है, सबको लगा दिया, नोट कर लिया, हो गया। ठीक है, ये नहीं है कि 5 फीमेलों का आज लगी है यार, 5 फीमेलों के लिए दोबारा से लेके आओ, क्योंकि फिर वैक्सीन का ये है, आपने 10 वाइल ले ली, उनको फ्रिज में रखना पड़ेगा, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, उस झंझट में ना पड़ के जो आपके अवेलेबल हैं एनिमल लगाने के लिए तैयार उनको लगा दीजिए, फ्री अपनी डेट नोट कर लीजिए, मैंने स्वाइन फीवर लगा दिया। FMD का भी ऐसे ही है।
वैक्सीन आप दो ही करते हैं? दो ही करता हूँ, और कोई वैक्सीन तो हमारे यहाँ। ये तो रह गई वैक्सीन की बात। अब दवाइयों को आप, जैसे कि मान लीजिए बुखार एक मुख्य समस्या है, तो आपके फार्म पर आती है या नहीं आती है? देखो जी, खांसी बुखार जुकाम जो भी आप बोलते हो ना, खांसी बुखार है, ये नॉर्मली चलता ही रहता है। ऑब्वियसली चलता है, ये सीजनल है। इसको आप मतलब कितना भी अच्छा मैनेजमेंट कर लो आप, है ना, तो ये चलता ही रहता है। ठीक है, तो अब बुखार की रखिए, खांसी की रखिए। जैसे कि मुख्य तौर पर आपके फार्म पर दवाइयाँ कौन कौन सी उपलब्ध हैं? मेरे, आप चाहे कंपनी का नाम लीजिए, चाहे आप सॉल्ट का नाम लीजिए, सब देखो जो मेरे याद में है। हाँ, वही मैं आप बता देता हूँ। वैसे तो होनी तो आपके फार्म पे सभी मेडिसिन होनी चाहिए। ये आपका जानवर, ये खांसी जुकाम बुखार नॉर्मल चीज़ें हैं, टेम्परेचर बढ़ गया, डाउन हो गया, ये तो चलता रहता है। फिर भी जो आप रख सकते हो, आपको लगता है कि आपके एनिमल्स में ये इस तरह की प्रॉब्लम छोटी मोटी आती हैं, तो वो दवाई आप मंगा के रख लीजिए। जो फ्रिज में रखने की है, तो सबके घर में फ्रिज होता है, अपने घर में रख दीजिए। पता लगा शाम को प्रॉब्लम है, अगले दिन मेडिकल पे जाओगे, वहाँ पे वो मेडिसिन मिली नहीं, आप अपने बड़ी सिटी में जाओगे, जब तक तो बहुत देर हो जाती है, आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, खांसी जुकाम की है अपनी, ये बायरोसिन हो गया और विटारजन हो गया, ठीक है, और दूसरा अमोक्सिलिन हो गया, ठीक है, और मार्बोफ्लोक्सिन हो गया, और आर्गोवेट हो गया, ठीक है, बेलामेल हो गया, ट्राइवेट हो गया, ऐसी और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं, मतलब ये नॉर्मली आपके पास होनी चाहिए। मेन तो उन पर ये टेम्परेचर अप डाउन वाली ज़रूर होनी चाहिए, जो कि आप उनको लगा दें। ठीक है, आप अपने फार्म पर जो है वो इस स्वास्थ्य को मैनेज करके आप प्रॉफिट ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल ले सकते हैं जी। अब जब ये फार्मिंग, डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा? एक मिनट, फार्मिंग लाइन बनी है, धंधा तो ये शायद पिछले वीडियो में बोला था, धंधा सब मतलब सब अच्छे होते हैं, मालिक के खराब होता है। ठीक है, हाँ हाँ, तो मैनेजमेंट आपका सही रहेगा तो ये समझ लीजिए 50% आपका फार्म बढ़िया चलेगा। सब मैनेजमेंट में आ गया, मैनेजमेंट में आपका सब कुछ हाल या बायोसिक्योरिटी, ये वो पिलाना खिलाना सब है। दूसरा 50% आपका बच गया फीड। फीड सबसे अहम हिस्सा है, इससे सारे ही अहम है, शरीर के बॉडी का हार्ट मेन मानते हैं, बाकी हाथ ना हो तो उसका भी तो नुकसान होता है, पैर ना हो तो उसका भी होता है, बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए, परंतु फीड और मैनेजमेंट, इसमें सारा फार्म आ लिया ये अच्छा है, आप आराम से प्रॉफिट लोगे, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।